अस्सलाम वालेकुम। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे असील के जो बच्चे थे और हमारी असील मुर्गी थी, दोनों की जगह हमने चेंज कर दी है। अब क्यों चेंज की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ ये कि हमने ना पहले यहाँ पे बिठाई हुई थी असील मुर्गी, तो जब वो आया ना दोस्त, उसने ना जब वो अंडे देने आया तो उसने कहा कि यार यहाँ पे तो ना इसको हवा लगेगी, क्योंकि यहाँ से भी हवा आएगी और यहाँ से भी हवा थोड़ी बहुत क्रॉस होती है, तो ठंड की वजह से तो अंडे में से सारे बच्चे नहीं निकलेंगे, अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से उसने कहा कि ना जहाँ पे पहले बिठाई हुई थी ना मुर्गी, वहीं पे बिठाते हैं, मतलब कि वो वाले पिंजरे में, बड़े पिंजरे के अंदर जो हमने छोटा पिंजरा बनाया ना उसमें, वो जो हमने बिठाई हुई है। तो उसके बाद मैंने कहा भाई कर लो जो करना है, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे ना वैसे कर लो। तो बाद में खपा फिर वही, तो पहले हम जो इन दोनों को लेके आए इधर, उनको इधर छोड़ दिया, क्योंकि हमने बड़ी मुर्गियाँ बाहर छोड़ी हुई थी। और उसके बाद जो सी थी काली मुर्गी, उसके बच्चों को उठाने लगा ना, तो भाई काली मुर्गी ऐसे पड़ी ना उसे, मतलब पड़ने लगी थी उसे, उसने अपने पंख बिखेर लिए और गोलमोल सी बन के, मतलब भाई वो तो गया था, मतलब इतनी मतलब कि गुस्से वाली बन गई थी ना ये, कि इसने मुझे लगता था हमला कर ही देना था, पर वो होगी बचत होगी। तो उसके बाद हमने इन दोनों, जब उनको फिर इकट्ठे उठा लिया, काली मुर्गी को भी और उसके बच्चों को भी, वो उठा के उस पिंजरे में ले गए और ये वाला पिंजरा हमने खोल दिया और हमारी जो मुर्गी और मुर्गा थे वो इधर आ गए। उसके बाद हमने इसकी ये जगह सेट की, इसके लिए ना ये हमने रखी है, इसमें बिठाया हुआ है, और इन दोनों ये दोनों इधर सेट रहते हैं। तो ये भी है कि जब इनको खाना डालना होता है जगह खोल देता हूँ, पिंजरा खोल देता हूँ, ये बाहर आके खा लेता है, और मुर्गी अगर ना उठे तो उसको मैं वो बर्तन में डाल देता हूँ, जैसा कि अभी भी उसको ना बर्तन में मैंने डाला हुआ है खाना उसके सामने ही, तो वहीं से खाती रहती है। देखो पहले भी बेचारे यहाँ थे और अब फिर से यहीं पे आ गए। ये तो पंजाबी की कहावत है नहीं है कि जिथे दी खोती उथे आ खलोती, वही वाला हिसाब हो गया ना इन बेचारों के साथ। खैर ये भी इनके कुछ दिन है, क्योंकि अब हम अपने ये सारा फ्लॉक भी शेयर कर रहे हैं इनसे हट के, इनको नहीं शेयर कर रहे हम, सिर्फ ये एक मुर्गा और बाकी जो मुर्गी है ना ये हम सेल कर रहे हैं। जैसे ये सेल होते हैं तो हमारे पास ये जगह बढ़ जाएगी, फिर एक दफ़ा हम इसकी सफाई करेंगे दोनों पिंजरों की, इसकी भी और उसकी भी, और उसके बाद थोड़ा सा ना फैंसी की तरफ भी आते हैं, ये ना हम कोई फैंसी लेके आएंगे साथ इनके ना, वो भी उसका भी देखेंगे, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे पाल के। और बाकी ये कि जब मैंने इनको किया ना उसकी तरफ, छोटी मुर्गी असील को और छोटे बच्चों को उस तरफ किया, तो यार रात को होता था कि ना यहाँ पे बैठ जाते थे, तो पहले मैंने ना इसका ईंटें लगा के साइड पे किया, पर वो उसका ये डर था कि अगर ईंटें बढ़ाते जाओ ना तो उनका गिरने का ख़तरा था, इस वजह से कल ना साइड पे गत्ता लगा दिया है। वैसे भी जब हम बोरियां नीचे फेंक देते ना इतना मतलब मैनेज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार के ना अब तो आखिरी दिन चल रहे हैं तो ना इनका एहतियात की जाए, अब साइड पे गत्ता लगा दिए, ये गुजरने की थोड़ी सी जगह इनके लिए और वो थोड़ी सी जगह, चलो ये अगर थोड़ी बहुत आती भी है उससे भी कोई थोड़ा बच ही जाएंगे ना, ये थोड़ी बहुत अगर सर्दी आती भी अंदर हवा वो आती है तो उससे थोड़ा बहुत बच जाएंगे, और इनका भी हमने इंतज़ाम कर दिया है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता इनको भी हम ज़्यादा स्पेस देंगे, अभी फ़िलहाल अंडों पे है तो इसको घूमती फिरती तो है नहीं, तो जहाँ पे बैठी है वहीं पे बैठी रहती है, तो एक दफ़ा ये भी बच्चे निकाल ले तो फिर हम ये सारा पिंजरा इनका बड़े वाला। खैर आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।